हेलो गाइस, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अपने लाला। ये देखिए, राधे राधे लाला, उठो उठो सोना, उठो उठो मेरे लाला, राधे राधे। ये देखिए, ये मेरे छोटे से लाला हैं, ये राधा रानी, मेरे बड़े भाई, सब लोग सो रहे हैं। आप देखिए, सब लोगों को मैंने सुला के रखा है। ये छोटे छोटे लाला है ना, इनको मैंने टोपी में रखा है ठंड में। ये मेरे गिरिराज महाराज जी हैं, देखिए आप लोग। तो अब इनको उठाऊंगी, फिर मैं इनको दूध पिलाऊंगी, माखन खिलाऊंगी। माखन मैं लाला को डेली खिलाती हूँ। मैं आपको बताऊंगी कैसे निकाला जाता है डेली माखन माखन लाला के लिए, ठीक है? तो लाला उठो। और लाला के लिए जब मैं लाला जब सोते हैं ना, तो मैं इनके लिए जल रख देती हूँ। देखिए, ये जल रख दिया है, एक सेब रख दिया है। ये रात में रख देती हूँ क्योंकि लाला को भूख लगती है ना। रात जब करके आते हैं ये सोना, चले जाते हैं ना, सो जब जब हम इनको सुलाते हैं तब ये वृंदावन चले जाते हैं, आप लोगों को पता है। और वृंदावन में जाके ये रास खेलते हैं, रास रचाते हैं और फिर आते हैं। सोना उठो, चलो दूध लेके आ रहे हैं, उठो उठो। और ये देखिए, बड़ा बेटा इसके चल रहे हैं। अरे कहाँ चला गया ये है वो है, इसके 10th के एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो ये रात भर पढ़ाई करी है इसने, अब जा रहा है ये सोने। अभी नहाएगा धोएगा और फिर पूजा करके ये सो जाएगा। और छोटा बेटा और इन सबके लिए मैंने नाश्ता बनाया सुबह सुबह। मैं ब्लॉग बनाना भूल गई थी आप लोगों के लिए, तो देखिए मैंने ब्रेड पकौड़ा बनाया था, बच्चों के लिए ब्रेड पिज़्ज़ा बनाया था, फिर मैंने ये पापड़ बनाए थे आलू के, बनाए नहीं मतलब इसको भूना था, फिर चिप्स बनाए थे। ये देखिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने सुबह सुबह करी, आपको दिखाना भूल गई। अभी मेड नहीं आई है और लाला के लिए दूध गर्म कर रही हूँ। और ये देखिए मलाई है इसमें, इतनी सारी मैं निकाल लेती हूँ इसे चम्मच से। मैं आपको बता रही थी ना कि कैसे माखन निकालती हूँ। ये देखिए, ये है मलाई, इसको मैं फेंटूँगी, इसमें मैंने मिश्री डाल दी है और इसको फेंटूँगी और ये अच्छे से माखन निकल जाएगा। मैं आपको दिखाऊँगी अभी, ठीक है? तो चलिए, सुबह सुबह तो कितना काम होता है, पूरा घर फैल जाता है। देखिए ना, पूरा का पूरा घर फैला हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। सब ऐसे जाते हैं ना छोड़ के, जैसे कि पूछिए मत। देखिए, ये पूरा घर फैला है, कमरा फैला हुआ है, ये पूरा का पूरा फैला है। अब मेड जब आएगी तो सफाई करूँगी। ये मेरा मंदिर रूम है, आती होगी, उसको फ़ोन किया था मैंने, तो चलिए जब वो आएगी तो दिखाऊँगी और माखन निकाल के दिखाती हूँ, ठीक है? ये देखिए, इसको मैं फेंटती जाऊंगी और ये माखन निकल जाएगा बहुत ही आराम से। इस तरह से आप चलाइए और माखन निकल जाता है लाला के लिए। डेली आप लोग भी लाला को माखन खिलाया करिए। आ गई, ये लगता है राधे राधे, राधे राधे। इतनी देर में आई है लड़की, सुबह से इंतजार कर रही है। साग लेके आई है, दिखाना। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, बथुआ ले आई आप। और कितनी देर से इंतजार कर रही थी, पूरा काम पड़ा हुआ है, पता है? क्या करूं दीदी, आज लेट हो गई। तू बता रही थी कि क्या कोई बात हो गई थी, क्या बात हो गई? बात बता दूंगी। क्या बात हुई बताना? अभी नहीं। क्यों, ऐसा क्या हो गया अभी नहीं बताएंगे? चल ठीक है, अभी काम कर ले। मैं लाला को दूध दे दूं ना, फिर हम लोग चाय बनाते हैं, पीते हैं। ओके दीदी। तो ये देखिए गाइस, लाला के लिए माखन निकल गया है ना, कितना आसान। इसको मैंने फेंटा है खूब अच्छे से, ऐसे फेंटती रही और माखन निकल गया। तो मैं अपने लाला को ना इसी तरह से माखन खिलाती हूँ, आप लोग भी जरूर जरूर खिलाया करिए जो लाला की सेवा करता है, ठीक है? ये हमने ना इलायची खूब सारी पीस के रख ली है ताकि लाला को जब दूध दें तो उसमें इलायची का ये पाउडर दे दें। तो ये देखिए, इस तरह से मैं लाला के लिए दूध जब बनाती हूँ ना, तो पीसी हुई इलायची ऐसे डाल देती हूँ और फिर डालती हूँ मिश्री। मिश्री इसलिए डालती हूँ क्योंकि मिश्री शुद्ध भी होती है और नुकसान भी नहीं होता है, और फिर ये दूध मेरे बच्चे भी पी लेते हैं लाला का। और अब इसमें डाल देती हूँ दूध। तो मैं लाला को ना सुबह सुबह माखन और दूध दे देती हूँ। आप लोग लाला की सेवा कैसे करते हो बताइएगा। तो ये देखिए,
सुबह सुबह जैसे हम लोग पानी पीते हैं ना, तो मैं लाला को भी जल पिलाती हूँ। और देखिए इसमें मैंने तुलसी जी की ना थोड़ी सी डंडी इसमें डाल रखी है, क्योंकि तुलसी जी जाड़े में सूख गई हैं, तो इसलिए सूखी हुई तुलसी मैंने इसमें डाल दी है। और अब दूध में भी डाल दूँगी, माखन खिला दूँगी। अब ये देखिए ये बैठे हुए मेरे शोना, राधे राधे लाला, दूध लेके आ गए हैं, पी लो आप लोग भी, है ना मेरे लाला कितने प्यारे। हे मेरे प्रभु, आप लोग दूध ग्रहण करिए, माखन का भोग लगाइए और जल ये रखा है, जल पीजिए। ठीक है, मैं अपने लाला को ना इसी बास्केट में रखती हूँ, जो लकड़ी की बास्केट है, क्योंकि अपने साथ ही सुलाती हूँ रूम में इनको, जब पूजा करनी होती है तो मंदिर ले जाती हूँ। तो आप मेरे लाला से तो मिल ही लिए हैं, अब लाला भोग लगा रहे हैं तो हट जाना चाहिए, क्योंकि जब लाला खाना खाते हैं ना तो बिल्कुल भी वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ऐसे सब लोग कहते हैं, फिर वो खा नहीं पाते हैं लाला खाना। ठीक है, अब देखते हैं ये क्या कर रही है लड़की। क्या कुछ नहीं कुछ तो कहना चाह रही थी, अरे करके चुप गई। ये लड़का देखिए कंबल में घुसा जा रहा है, अब तो ठंड भी नहीं है फिर भी कंबल में घुसा जा रहा है, और जब ठंड थी, इतनी भयानक ठंड पड़ रही थी, तब ये बिल्कुल भी नहीं स्वेटर पहनता था, और अब जब है नहीं तो इसको कंबल चाहिए। वाह भाई माया, क्या खेल ना खेले। अरे ये लड़की पता नहीं क्या कहना चाह रही थी, कैमरे के सामने आई और चुप गई। अब चाय बना लेते हैं। देखिए पूरा घर फैला हुआ है, आप सोच रहे हो कितना गंदा घर है, गंदा नहीं होता मेरा घर, जब साफ कर लूँगी तब आपको दिखाऊंगी। पूरा घर तो सबका ही फैल जाता है, फैलता है कि नहीं बताइएगा। ऐसा लगता है कि जैसे कि रात में आंधी आई थी, पूरा घर इधर से उधर हो जाता है, है ना। नीरज दीदी को आते ही भूख लगी तो मैंने इसको अभी नाश्ता दे दिया है, इसके लिए चीला बनाया है बहुत बढ़िया, और फिर इसके लिए चाय बना रही हूँ। चाय भी एक तरफ खोल रही है, और ये चीला क्या है इसको समझ लीजिए, चीला नहीं है ये, उत्पम होता ना डिट्टो वैसा ही है। ओहो उठ जा उठ जा, उठ नहीं रहा, हाँ तो उठ गया आखिर, इसको दे दीजिए। लो नीरज दीदी पियटा ना, थैंक यू दीदी। थैंक यू क्यों बेटा, तुम खूब अच्छे से खाओ, थैंक यू तो हम तुम्हारा करेंगे, आप जल्दी आ गए। ये है गुड़, मेरा भाई लेके आया था, अभी मम्मी आई थी ना तो गुड़ ले आई थी, वहाँ का गुड़ बिल्कुल प्योर होता है, तो इसको तो मैं डाल दूँगी चाय में। गुड़ वाली चाय आप लोगों ने पी है, बहुत ही टेस्टी लगती है, आप लोग ज़रूर पी के देखिएगा। और ये गुड़ ऐसा है कि इसे खोलते हुए इसमें डाल भी देना तभी भी नहीं फटती। कितना ऊपर तक चाय आई ना तो पूरा फ्राई पैन गंदा हो गया, ये देखिए है ना, बिल्कुल भी चाय जो है ना फटती नहीं है इसमें। आप लोग भी गुड़ वाली चाय पिया करो सुबह सुबह, चीनी तो बिल्कुल जहर है जहर। ये देखिए कितनी बढ़िया चाय बनी है। ओहो सुबह सुबह तो चाय ना मिले ना, सबसे पहले तो मैं पानी पी लेती हूँ। हाँ तो फिर तुमने वहाँ पे काम किया, कितने रुपए मिले? 100 रुपए। अच्छा चलो बढ़िया, बहुत अच्छी लेडी है, बहुत अच्छी औरत है। वाह चाय में डुबकी मार के बिस्किट जो खाया जा रहा है ना अब लाला भी दूध पी चुके हैं। जब भी आप लोग लाला के पास से खाना हटाएंगे तो ताली मार के हटाया करिए, ठीक है। तो मैं भी ताली बजा लेती हूँ, ताली तो बजा नहीं सकती, चुटकी बजा लेती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है। तो लाला मेरे शोना कितने प्यारे, मेरे प्यारे लाला हैं। ठीक है मैं अपना ब्लॉग बंद करती हूँ, राधे राधे, खुश रहिए आप सब लोग और सबको खुशियाँ दीजिए, हर सांस पर राधे राधे बोलते रहिए। ठीक है, धूप निकल आई है खूब अच्छी।